स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सौंठ और अदरक, जाने इन दोनों में से क्या है अधिक फायदेमंद। वैसे तो अदरक और सौंठ दोनों ही औषधीय गुण होते हैं, लेकिन सौंठ और अदरक में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। सौंठ और अदरक दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड, फैटी एसिड और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वही अदरक में औषधीय गुण अधिक मात्रा में होते हैं। अदरक विटामिन डी, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। अदरक और सौंठ दोनों ही स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अदरक और सौंठ एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सौंठ और अदरक में क्या अंतर है, तो आइए जानते हैं। सौंठ क्या होती है? सौंठ अदरक का ही सूखा हुआ रूप होता है। सौंठ बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, इसके बाद इसका पाउडर बनाया जाता है, इसे ही सौंठ कहा जाता है। अदरक के पाउडर को सौंठ के रूप में माना जाता है। सौंठ के फायदे। सौंठ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। सौंठ की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए अक्सर ही इसका प्रयोग सर्दी के समय ही किया जाता है, लेकिन कुछ लोग गर्मियों में भी सौंठ का प्रयोग करते हैं। सौंठ को चाय या सब्जी आदि में डालकर किया जा सकता है। सौंठ सर्दी, जुकाम और खांसी का इलाज करने के लिए फायदेमंद हो सकती है। गले की खराश को ठीक करने के लिए भी सौंठ का उपयोग किया जा सकता है। सौंठ गले को आराम दिलाने में मदद कर सकती है। सौंठ के सेवन से आपको ताजगी, स्फूर्ति मिलती है। अगर आपको अक्सर ही ठंड लगती है तो आप सौंठ को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अदरक क्या है? अदरक में अधिकतर लोग परिचित हैं। अधिकतर भारतीय घरों में अदरक का उपयोग किया जाता है। अदरक का उपयोग चाय, सब्जी हो या फिर दाल, सभी को स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस अदरक को मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो अदरक की जड़ होती है। अदरक के फायदे। अदरक पेट की से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अदरक पेट की गैस, अपच और कब्ज से छुटकारा दिला सकता है। अदरक में मौजूद गुण सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं का इलाज करने में भी सहायक हो सकते हैं। अदरक मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक में अर्थराइट्स यानी गठिया रोग में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अदरक का रस डायबिटीज़ रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। सौंठ और अदरक में अंतर। सौंठ और अदरक कहने को तो एक ही है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सौंठ और अदरक के पोषक तत्वों में बेहद अंतर होता है। सौंठ अदरक को धूप में सुखाकर बनता है, इससे सौंठ कड़क हो जाता है, जबकि अदरक जमीन में उगता है। सौंठ की तासीर बेहद गर्म होती है, वहीं अदरक की तासीर भी गर्म होती है, लेकिन सौंठ की तासीर अदरक की तुलना में अधिक गर्म होती है। सौंठ और अदरक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, लेकिन सौंठ को अदरक की तुलना में अधिक फायदेमंद माना जाता है। सौंठ और अदरक दोनों ही तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में सौंठ और अदरक लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।